So good morning everyone. I hope you people are enjoying the new trends of concept classes which are launched few weeks before. And in this series of new trends, you are going through the variety of things like current affairs, like biographies, autobiographies, कुछ जनरल इंग्लिश की क्लासेज एंड समटेंसली और भी चीज़ें इसमें आती रहेंगी और आप लोगों को समय समय पर हम अपडेट करते रहेंगे बाकी चीज़ों के साथ. आज हमारी ये इंग्लिश की क्लास है. लास्ट जो इंग्लिश की क्लास में आप लोगों ने टेंस के बारे में जाना समझा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. लेकिन एक और बात ये कहना है कि अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से उसके लिए डिस्कस करें. आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी ईमेल आईडी भी लिखें, और किसी भी तरीके से आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो हमारे तक पहुंचाएं, जिससे कि हम आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें. फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार वर्ब, आज का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है वर्ब. अब कहने में तो बहुत सिंपल बात लगती है कि वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम करने वाला या कुछ भी, इस तरह से बहुत सी बातें होती हैं. लेकिन डिफरेंट बुक्स आर एक्सप्लेनिंग द वर्ब इन अ डिफरेंट वे. कोई कहता है कि वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, कोई कहता है फोर टाइप्स के होते हैं. तो कुल मिला करके कई बार बच्चों के मन में और कई बार बड़े भी कई बार ये चीज़ों को बहुत एग्जैक्टली या कहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि नहीं, हमने तो दो ही तरह का पढ़ा था, या ये कैसे वर्ब हो गया, ये तो इसमें कहीं वर्ब दिखाई नहीं पड़ रहा है. तो इसको मॉडर्न इंग्लिश में हम लोगों ने जो सब बहुत सी किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो कई बार होता है ना, आपने एट्थ में कोई बुक पढ़ी, नाइन्थ में कुछ अपग्रेडेड बुक मिली, तो फर्स्ट ईयर में कुछ और बुक मिली, उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि रियली ये वर्ब है क्या और इसको किस तरीके से हमको डिफाइन करना चाहिए. तो देखो, बुक इज़ नॉलेज तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बुक कब पढ़ना चाहिए, सभी लोग बुक पढ़ करके ही नॉलेज को गेन करते हैं. बट वट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर एवरीवन, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग, इट मीन्स दैट योर ऑल नॉलेज इज यूजलेस. तो आवर इंस्टीट्यूट नेम इज कॉन्सेप्ट, इसके पीछे भी बहुत बड़ा यही रीजन है कि हम लोग हर चीज़ के कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जाए जिससे कि आपके मन के जो डाउट्स हैं वो हमेशा के लिए वो खत्म हो कम से कम, और आपके मन में कभी भी डाउट ना हो, जो पूछा जाए आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं. तो इट इज मेंट फॉर नॉलेज कि अगर हम कुछ पढ़े हैं या विच इफ वी आर हैविंग सम नॉलेज, इफ वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ऑन टाइम और टाइमली, इट मीन्स दैट ऑल द एजुकेशन इज यूजलेस. नाउ, अब व्हाट इज वर्ब. तो जब आजकल हम लोग वर्ब की बात करते हैं ना, तो एक मॉडर्न इंग्लिश में एक नया इसमें ऐड किया गया, उसको कहा गया मेन वर्ब. अब ये क्यों कहा गया है, अभी हम इसको बताएंगे. अभी आपको लिटरली हम लोग इसको वर्ब की बात करते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब क्यों कहा गया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे. जिसको हिंदी में अगर कहा जाए तो पहले तो वर्ब को हम लोग क्रिया कहते हैं, और जब मेन जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया. अब मुख्य क्रिया और क्रिया में क्या अंतर है, यह बात समझने वाली है कि क्रिया क्यों कहा गया या इसको मुख्य क्रिया क्यों कहा गया. तो इसमें यह बात आप समझिए कि वर्ब क्या है पहले, या मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं. जब हम वर्ब की खाली बात करते हैं तो मेन वर्ब की बात, तो मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब कहता है कि वर्ड्स डिनोट एनी एक्शन, ऐसे शब्द या ऐसे शब्दों का समूह जो कोई एक्शन को डिनोट करता हो. और एक्शन का मतलब होता है वर्क, कि किसी कार्य के बारे में, किसी एक्शन के बारे में जो वर्ड हमको डिनोट करता हो या बताता हो, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें क्रिया का बोध कराते हो, किसी काम के होने के बारे में बोध कराते हो या सेंस देते हो कि कहीं कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं मेन वर्ब. एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे, व्हाट इज मेन वर्ब, द वर्ड्स व्हिच आर डिनोटिंग टुवर्ड्स एनी एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब. कि क्रिया क्या है, ऐसे शब्द जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हो, जैसे रन, प्ले, राइट, सिंग, डांस. तो दुनिया में जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी न किसी काम के होने का या करने का सेंस पाया जाता है, सच वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. अब ये मेन वर्ब क्यों है, या खाली वर्ब इसको क्यों नहीं कहा जाता है, इसके पीछे का जो रीजन है उस पर हम लोग आएंगे. तो जल्दी से हम लोग देखें कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के वर्ब हो सकते हैं अभी तक की जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं. तो आपने दो पढ़ी होंगी, या चार पढ़ा होगा, या तीन पढ़ा होगा, या जो भी पढ़ा होगा, ये मैटर यहाँ नहीं करता है. बट आप ये जरूर देखिए कि वर्ब को हम मैक्सिमम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं.
तो वर्ब को हम वर्ब को यहां पे मैंने पांच प्रकार में बांटा है. देर आर फाइव टाइप्स ऑफ वर्ब. नाउ हाउ इट इज, द फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, द सेकेंड वन इज इनट्रांजिटिव, द थर्ड वन इज लिंकिंग, द फोर्थ वन इज हेल्पिंग और ऑक्सिलियरी, इसी को ऑक्सिलियरी भी कहा जाता है, एंड द फिफ्थ वन इज फ्रेजल वर्ब. नाउ मुझे तो अभी ये पता नहीं है कि आप इसमें से कितने प्रकार का पढ़े हैं, बट ये मैं पक्का बता रहा हूं कि आपने जो भी पढ़ा होगा वो सही ही पढ़ा होगा, लेकिन आप इस तरह से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइव टाइप्स ऑफ वर्ब, दैट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, अदर इज इंट्रांजिटिव, थर्ड इज लिंकिंग, फोर्थ इज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी, एंड फिफ्थ इज फ्रेजल वर्ब. सो नाउ अब क्यों ये मेन वर्ब कहा गया और क्यों यहां पे सिर्फ वर्ब कहा गया है, ये बात अब यहां पर आपके सामने आ जाएगी कि क्यों इसको इस तरह से किया गया है. तो यहां पर अब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अगर हम जाने कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो आप जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यह होता है, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया. नोइंग इंग्लिश इज गुड बट नॉट नोइंग हिंदी इज वेरी बैड. तो ये तो मेरे लाइफ का खुद का मोटो रहा है कि अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो इट इज वेरी गुड थिंग, बट वी मस्ट नो हिंदी ऑल्सो. तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया. तो अब जब सकर्मक आप पढ़ते हो ना, इसका मतलब है कि यहां पर कर्म जुड़ा हुआ है. तो इसको अगर डिफाइन किया जाए ना, तो बहुत शॉर्टकट में एक डेफिनेशन इसकी बताएं, तो वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब. किताबी नॉलेज बहुत है, किताबी नॉलेज आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको बस कैसे आप जल्दी से किसी चीज के बारे में बता सकते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे तैयारी करेंगे जब भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जब वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट लगा हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. अब ये वर्ब और ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, सपोज मैंने कहा आई प्ले, तो आई प्ले में मैं खेलता हूं, इसकी मीनिंग हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एंड इट इज मीन्ड हियर आई प्ले मतलब मैं खेलता हूं, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है. अब यहां पर अगर जोड़ दे आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले अ क्रिकेट मैच, तो अब मैं खेलता हूं ये वर्ब है, और क्या खेलता हूं इसका ऑब्जेक्ट भी डिफाइन हो गया, तो वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट हो गया. आई होप अब ये आपको क्लियर हो जाएगा. तो वर्ब विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया. अब इसका ठीक वाइस वर्सा यानी कि कॉन्ट्ररी यानी कि अपोजिट है इनट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, वर्ब विदाउट यानी कि माइनस ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे आप बहुत इजीली मैथ्स के फॉर्मूले को समझ जाते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्रांजिटिव और वर्ब माइनस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनट्रांजिटिव. यानी कि यहां पे क्या होगा, अगर इसका एग्जांपल देखें तो हो जाएगा ही राइट्स. नाउ यू कैन सी हियर यहां पर सब्जेक्ट ही लगा हुआ है और वर्ब को डिनोट करने के लिए राइट लगा हुआ है. एस इसलिए लगा हुआ क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, वो किसी में भी हो सकता. मान लो आपने लिखा ही रोट या आपने लिखा ही हैज रिटन, तो यहां पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने सिर्फ इंडेफिनिट का दिया या सिंपल का दिया, तो सिंपल का ही एग्जांपल है. नहीं, नथिंग लाइक दैट. एनी फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन एनी टाइप ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. तो अब क्या है, ही राइट्स, ही राइट्स में अब आप देखिए यहां पर इस वर्ब को डिफाइन नहीं किया गया है. तो डिफाइन नहीं किया गया इसका मतलब वर्ब में ऑब्जेक्ट की कमी है, यानी कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा है. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन योर वर्ब माइनस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. तो आई होप कि अब आपके दिमाग में यह बात आ गई होगी और आप बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. सो ट्रांजिटिव वर्ब मींस द वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव इज जस्ट कॉन्ट्ररी और अपोजिट ऑफ इट. वर्ब माइनस ऑब्जेक्ट या वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव. यहां देखिए वर्ब विथ एन ऑब्जेक्ट एंड यहां वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब.
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि और इसकी हिंदी अगर देखी जाए क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। तो इसकी आप देखो ना, हिंदी बताने से फायदा क्या है यहां पर कि यू आर एबल टू डिफाइन इट कि अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं लगा, सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म लगा हुआ। तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई करता है, इट इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। फॉर द इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू यू नो दैट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो दिस इज द मेनली टू पार्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ वर्ब इज आर डिफाइंड इन द मोस्ट ऑफ द बुक्स रिटन बाय द वेरियस एस्टीम्ड राइटर फॉर इंग्लिश। ये दो तरह के वर्ब मुख्यतः वहां पे दिखाए जाते हैं। अब आइए हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं इसके, कि इसका थर्ड पार्ट कौन सा था, यानी थर्ड टाइप कौन सा है। थर्ड टाइप इसका हमने अभी आपको बताया था, इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। इट इज कॉल्ड लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग को हिंदी में कहा जाता है संयोजक, संयोजक क्रिया। अब संयोजक क्रिया क्या होता है? यू नो दैट देर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स वी यूज टू रीड और राइट वेयर वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी मेन वर्ब। अगर हम लिटरली आपको समझाएं आसानी से, कि हम बहुत से ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं या लिखते हैं या देखते हैं जिन स्टेटमेंट्स में कोई मेन वर्ब नहीं लगा होता है। इसका मतलब क्या है कि मेन वर्ब नहीं लगा? मेन वर्ब नहीं लगा मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं लगा हुआ है जो किसी एक्शन को डिनोट कर रहा हो, लेकिन वहां पे फिर भी एक वर्ब होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो अब वो क्या है? अब लिंकिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए आप एक स्टेटमेंट में यहां पे लिख रहा हूं जिसको आप सुने, राहुल इज बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। सपोज आई हैव रिटन जस्ट एन एग्जाम्पल, राहुल इज द बेस्ट प्लेयर, या द लगेगा क्योंकि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्लास आर्टिकल की भी मिलेगी आपको इसके बाद। तो राहुल इज द बेस्ट प्लेयर। अब राहुल इज द बेस्ट प्लेयर का मतलब क्या हुआ? कि राहुल एक राहुल जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है हमारे देश का, यानी कि राहुल हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। अब आप देखो ना, इस स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है विच इज कैन बी फिक्स अंडर द मेन डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ मेन वर्ब, दैट इज द वर्ड विच आर शोइंग एनी एक्शन। तो कोई यहाँ पे शब्द ऐसा नहीं है जो किसी एक्शन या किसी वर्ब को शो कर रहा हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर यह है क्या, राहुल एक सब्जेक्ट है और बेस्ट प्लेयर है वो, या गुड प्लेयर है मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ये उसके बारे में हमें कॉम्प्लीमेंट मत कर रहा है। इसको कहा था इट इज कॉम्प्लीमेंट, हम एक कॉम्प्लीमेंट उसको कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने के लिए हमने यहां पे क्या लगाया है, इज। तो ये इज यहां पे क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। इट मींस व्हाट, अगर हम डेफिनेशन टर्म से देखें कि लिंकिंग वर्ब क्या है, दैट अ सब्जेक्ट विच इज द वर्ड्स विच आर यूज्ड, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ऐड अ सब्जेक्ट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। Repeating, I am repeating definition. The words which are used to adding a subject with its complements. ऐसे शब्द जो subject को उसके complement के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या use किए जाते हैं, ऐसे शब्द को हम कहते हैं linking verb. आप एक और example से इसको समझें, जैसे आपने लिखा Ram is handsome. अब इसका मतलब हो गया राम खूबसूरत है। अब राम सब्जेक्ट हो गया, और जब आपको कोई कहता है यू आर लुकिंग हैंडसम, तो आप क्या कहते हैं, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। आप उसको अगर पूरे, आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है, लोग बहुत शॉर्ट में निपटा लेते हैं, अरे थैंक यू वेरी मच या थैंक्स करके काम चला लेते हैं। बट अगर आप उसको कर्टसी में पूरी तरह से जाएं, तो यू विल फाइंड द राइट कर्टसी वर्ड इफ समवन इज गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट टू यू, कि आप बहुत अच्छे हैं, यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, वट एवर। कॉम्प्लीमेंट कैन बी पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट कैन बी निगेटिव। आप ये बात समझिएगा कि अगर आप किसी ने किसी को कहा कि वह चोर है, तो ही इज अ थीफ उसकी इंग्लिश होगी, ये थीफ भी उसका कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि खाली गुड होगा और बेस्ट होगा या बेटर होगा या अच्छी बात करेंगे तो ही कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट दोनों केस में होता है। तो
आपने क्या किया, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो आप क्या करते हैं, आप लिटरली अगर अच्छे से आप रिप्लाई कर रहा हो तो क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही बोला जाता है। बट जनरली आजकल प्रैक्टिस में लोग नहीं कहते हैं थैंक यू वेरी मच करके काम चला लिया है, बट दैट इज अनदर पार्ट। बट व्हाट इज रियलिटी कि दैट यू जस्ट से थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर योर बेस्ट विशेज। तो यहाँ पर ये चीज इसलिए क्लियर करना जरूरी है कि सब्जेक्ट को जब ऐड किया जाता है किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो नेसेसरली वहां पे कोई मेन वर्ब लगा है वो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, लगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब लगा होगा तब वो लिंकिंग नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यानी कि लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब नहीं पाया जाता है। एक लिटरल तरीका है पहचान करने का कि लिंकिंग वर्ब खाली होगा तो हम मेन वर्ब नॉट फाउंड ये नहीं पाया जाएगा। अब इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स हैं आप उसको लिख सकते हैं, जैसे ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म लगा इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो इसलिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होता है तो इसलिए ये एक्सेप्शन के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट तो आपने दिया बट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाकी सब में कहीं पर भी लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया, चाहे प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर वाज वर एटसेट्रा, ये सारी चीजें आएंगी, हैज हैड। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने हेल्पिंग वर्ब में भी होता है, एज एम आर को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, तो बस हम वहीं पे आने वाले हैं कि कब ये लिंकिंग होता है और कब ये हेल्पिंग होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगभग वही एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं या पूरक कहे जाते हैं। बट एक आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट दें यहाँ पे कि ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ लिंकिंग, बट ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ लिंकिंग वर्ब आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग। सो दिस इज वॉट आई मीन टू से कि ऑल द एग्जाम्पल्स यानी कि लिंकिंग के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे दे आर नॉट नेसेसरली गोइंग टू बी एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एच वी अगर लिखा जाए, बट हेल्पिंग वर्ब के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ लिंकिंग। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट है समझ पाना फंडामेंटली कि कब हेल्पिंग वर्ब होगा और कब लिंकिंग वर्ब होगा। तो इसके लिए आपको बस एक बहुत अच्छे से एक अभी मैं एक चार्ट के हिसाब से आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आप बहुत थोड़ा समझ भी पाएंगे और आपके मन के डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। नाउ यू जस्ट आई एम जस्ट ड्राइंग अ लाइन हियर एंड यू सी व्हाट इज लिंकिंग एंड व्हाट इज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी भी कहते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग लिटरली सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रियाएं या क्रिया, और इसको कहा जाता है संयोजक। अब मैंने भी आपको एक नोट दिया था कि इसके सारे एग्जांपल्स हेल्पिंग के जितने भी एग्जांपल्स हैं दे आर द आल्सो एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग, बट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग। यानी कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इज एम आर वॉज वर शैल विल हैज हैव हैड एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब हेल्पिंग के एग्जांपल क्या क्या है, हेल्पिंग के भी एग्जांपल यही सब है, इज एम आर वॉज वर शैल विल हैज हैव हैड एटसेट्रा, ये सब भी इसके एग्जांपल है। अब फर्क कौन कौन सा आता है, जैसे अगर यहां पे एक वर्ड है बिकेम या बिकम, ये लिंकिंग का एग्जांपल है बट इसका एग्जांपल नहीं है। ग्रो ये लिंकिंग का एग्जांपल है लेकिन हेल्पिंग का एग्जांपल नहीं है। तो साइमल्टेनियसली आप ये कह सकते हो कि ईजिली अगर आपको बताना हो तो आप कह सकते हो कि ऑल द एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग बट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग आर नेवर गोइंग टू बी एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग, ऑल आर नॉट, हम कुछ कॉमन पाए जाते हैं। अब ये कब लिंकिंग होगा और कब हेल्पिंग होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको बस इस वीडियो को और अगले 5 मिनट तक देखना है और आपका पूरे वर्ब का जितना भी कन्फ्यूज़न होगा
वो मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपके इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉट ओनली यू वुड बी एबल टू इक्विप योर सेल्फ विथ अ गुड नॉलेज ऑफ वर्ब बट ऑल्सो यू वुड बी एबल टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ टू डिफाइन एनी वेयर एनी प्लेस दैट वॉट इज लिंकिंग एंड वॉट इज हेल्पिंग एंड वॉट इज अबाउट होल मेन वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कब होगा, हेल्पिंग वर्ब कब होगा, तो बहुत लिटरल मीनिंग आपको तरीका बता दें इसको आइडेंटिफाई करने का कि लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब नहीं पाया जाएगा, मेन वर्ब नॉट फाउंड। और जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेन वर्ब इट मींस ओनली दोज वर्ड्स विच आर डिनोटिंग टुवर्ड्स एनी एक्शन, यानी कि वही शब्द जो किसी क्रिया के बारे में डिनोट करते हो, प्रदर्शित करते हो। तो लिंकिंग वर्ब जब भी होगा, यानी कि अगर इज एम आर लगा है या वाज वर्ब, जितने भी मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताया है, अभी मैं एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, और यहाँ पे नेसेसरली आपको मेन वर्ब फाउंड हो जाएगा, यानी कि इस केस में मेन वर्ब निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल से इसको आपको हम क्लियरिफाई कर दें। जैसे आपने लिखा ही इज टॉल, वह लंबा है। अब यहां पर ही सब्जेक्ट है, टॉल उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो जब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज किया गया तो ये इज बन गया क्या, लिंकिंग वर्ब, यानी कि ये लिंकिंग वर्ब हो गया। और जब आप इसको ऐसे लिखें ही इज राइटिंग अ लेटर, अब देखिए यहां पे आपको नेसेसरली वर्ब का फॉर्म मिला, यानी कि कुछ काम होने वाले शब्द दिखाई पड़ रहे हैं जिसे कुछ वर्ब के बारे में पता चल रहा है। अब इस वर्ब की मीनिंग तभी क्लेरिफाई होगी या जस्टिफाई होगी जब इसके साथ ही इस इज को लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको खाली लिखें ही राइटिंग अ लेटर तो देयर विल बी नो प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक, हम समझ तो जाएंगे, कोई कहता है ही राइटिंग अ लेटर मतलब समझ जाएंगे कि पत्र लिख रहा है या लिखा होगा, बट एक प्रॉपर मीनिंग उसकी नहीं निकल रही है। बट तो इस इज को लगा के हम लोगों ने क्या किया, इस वर्ब की मीनिंग को प्रॉपर बना दिया, यानी कि उसकी मीनिंग को एक्सप्रेस करने में उसके हेल्प की, इसीलिए इसको कहा गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाई, बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू क्लेरिफाई और जस्टिफाई द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया होती है, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का होना पता चलता है, उन शब्दों के मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए या उस मीनिंग को और क्लेरिफाई करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ड्स विच आर यूज टू एड अ सब्जेक्ट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। सो मुझे लगता है कि अब आपको लिंकिंग और हेल्पिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सहायक क्रियाओं में, अब ये ऐसा नहीं है कि खाली इज के साथ होगा, इसको आप ही वॉज भी लिख सकते थे या दे वेयर भी लिख सकते थे या ही हैड लर्नड ही हैड रिटन अ स्टोरी लिख सकते थे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कुछ भी मतलब जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब में आप टेंस लगा दें, क्योंकि ये क्या करता है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी तो बताता है, टेंस क्या करता है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब बताता है। तो आप यहां पर ये ऐसा नहीं कि इज के साथ ही लगा, अगर आप इसको यू के साथ लिखते हो तो क्या हो जाता है, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, या यहाँ पे आप लगा दें यू तो हो जाता है यू आर अ गुड पर्सन, या मान लीजिए लिख जाए दे आर अ ग्रुप ऑफ चीटर्स, मान लीजिए कोई बेमानों का ग्रुप है तो ग्रुप ऑफ चीटर्स, वैसे क्रुक बंच ऑफ क्रुक्स कहा जाता है फ्रेज में, मुहावरे के पॉइंट ऑफ व्यू से द क्रुक ऑफ बंच कहा जाता है, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ चीटर्स आपने लिख दिया तो ये भी देखिए कॉम्प्लीमेंट है, और इसको ऐड किया सब्जेक्ट दे के साथ, और किसके उसको ऐड करने में हेल्प किसने किया, लिंक करने में आर ने हेल्प किया, तो ये आर यहाँ पर बन गया लिंकिंग। लेकिन अगर यही आर यहाँ पर लिखा जाए दे आर राइटिंग, मान लीजिए लिखा जाए, तो ये आर यहाँ पे हो गया हेल्पिंग। तो अब ये बहुत क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगा जब उसमें कोई मेन वर्ब लगा होगा, और लिंकिंग वर्ब तब कहलाएगा जब सब्जेक्ट के साथ उसका कोई कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा, यानी कि उसमें कोई मेन वर्ब नहीं पाया जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंकिंग एंड हेल्पिंग एंड अर्लियर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब एक बहुत छोटा सा और पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको आपकी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए पूरी तरीके से, अदरवाइज मुख्यतः ये चार क्रिया के प्रकार जो होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वर्ब भी बताए जाते हैं आपकी पूरी जो भी इंग्लिश की बुक्स होंगी मैक्सिमम उसमें आपको यही मिलेगा,
बट एक और टाइप ऑफ वर्ब है जिसको आपकी नॉलेज के अपडेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं पे भी आपको कोई पूछ ले तो आप वहाँ पे ये ना बने कि नहीं हमको इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तो जैसे अभी हम लोगों ने जो बातें की वो बातें की हम लोगों ने ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, उसके बाद हम लोगों ने बात की हेल्पिंग वर्ब की, या इसी को हम लोग ऑक्सिलरी भी कहते हैं। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में, कई बार हम बच्चों से पूछते हैं तो हेल्पिंग को अलग बताते हैं, ऑक्सिलरी को अलग पार्ट बताते हैं। और फोर्थ के भी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, हेल्पिंग, अभी लिंकिंग भी हम लोगों ने पढ़ा है, लिंकिंग वर्ब जिसको हमने अभी बताया, संयोजक क्रियाएँ हैं जहाँ पर सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करते हैं। और लास्ट इसका जो है वो है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इसकी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार कंपटीशन ने पूछा था, फ्रेजल, सॉरी PHRASAL, इसकी हिंदी होती है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम एक ऐसे वर्ब का, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो वर्ब को डिनोट करता है, लेकिन नेसेसरली उस वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन लगा हुआ मिलता है। जैसे If someone is sitting in the room and you are just asking him to switch on the board, switch on the fan, तो आपने switch the fan नहीं कहा, आपने क्या कहा, switch on the fan, switch एक verb है, उसके साथ आपने क्या लगाया, preposition लगाया। तो इसकी खास बात ये है कि a verb, phrasal verb किसको कहते हैं, कि when a verb is just followed by a preposition, when a verb is just followed by a preposition like on, upon, in, into, जैसे someone ask may I come in, आप कहते yes come in, तो come in, आप come in कहते हैं, you come नहीं कहते, you come अलग बात हो गई, but आप come in कहते हैं तो वो meaning को अलग लेके चला गया। तो phrasal verb क्या है, the verb which are just followed by a preposition, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि verb और preposition के बीच में कोई और शब्द नहीं होना चाहिए, not a single word, even though that word was built up only one character, there should not be any word in between the verb, यानी कि main verb and preposition। For example, मैंने भी आपको बताया put on, जैसे आप कहते हैं put on the table, put on the table, keep on, likewise switch on, switch off, so these all are the words which are categorized in prepositions, in, on, on, upon, ये सारी चीजें। तो jump upon मान लीजिए लगा है, jump upon, तो आप ये देखो कि यहां पर verb के तुरंत बाद The cat jump upon the table, आपने बोला the cat jump upon the table, तो आपने देखा verb के तुरंत साथ एक preposition लगा, ये necessity है इसकी यहाँ पर। तो the words which are used with verb and preposition combinedly, ये combinedly known किया जाता है, और combinedly इसको ले आकर के रखा जाता है phrasal verb में। यानी कि अगर हम इसको एक वन लाइन डेफिनेशन बताएं, तो वन लाइन डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि द मेन वर्ब्स विच आर जस्ट फॉलोड बाई अ प्रीपोजिशन इज कंबाइनली कॉल्ड phrasal verb। So these are the five types of verb which I have explained you. I think that now most of the doubts would be clear. You just go through the video, share the video among your friends, make them also benefited. जब आप दूसरे की help करते हैं तो ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप मेरे channel को और subscribe करें, अपने friends को बताएं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो I am very very thankful to them. But again, नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग विच नेवर गोइंग टू डिक्रीज बाई मच यू आर स्प्रेडिंग इट। तो आप इसको और अपने फ्रेंड्स में बताइए, उनको शेयर कराइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और आप हमारे वीडियोज को टाइम टू टाइम देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स।